हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ फ्रिल पिलो कवर बनाएंगे जिसमें बैक में हम जिप भी अटैच करेंगे ओपनिंग साइड में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने जो कटिंग्स ली हैं उसके मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से है। फ्रंट और बैक में एक एक इंच का फ़र्क है। बैक में एक इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने क्योंकि हमें उसमें जिप अटैच करनी है। सो बैक के पोर्शन को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसके एक एंड को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पे जिप लगानी है। सेम इस तरीके से यहाँ पे इसके एक एंड में स्टिच कर लेना है। रेडी कर लेंगे हम इसको। उसके बाद हमें जिप अटैच करनी है। सो ये जिप अटैच करने का एक कम्प्लीट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप वहीं से चेक कर लीजिए इसको कैसे लगाते हैं। सो ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब हम रेडी करेंगे फ्रिल्स। सो फ्रिल्स रेडी करना बहुत इजी है। सिंपल मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स ली हैं जिसकी मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है। अब क्योंकि ये टुकड़ों में है तो सबसे पहले हम सारे टुकड़ों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे एक प्रॉपर लेंथ के लिए। इस तरीके से सबको अटैच कर लेंगे। अब जो ये स्ट्रिप है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आयरन करके हम रेडी कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रिल्स बनाएंगे और इसको पिन से हम हल्का सा सिक्योर कर लेंगे ताकि स्टिचिंग में हमें इजी हो जाए। आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कम्प्लीटली सारे फ्रिल्स बना के पहले रेडी कर लेंगे। सो हमारी फ्रिल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत एजेस पे मैंने स्टिचिंग की है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है इस तरीके से। अब जो ये फ्रंट है और ये इसका बैक पोर्शन, इस तरीके से सीधा साइड हम अंदर की तरफ करेंगे और उसके बाद इस फ्रिल को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम जो बैक पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ से कवर कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप इस पे पिन भी लगा सकते हैं ताकि आप स्टिचिंग करने में इजी हो। क्योंकि कॉटन का है तो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होगा, तो मैं पिन्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। चारों तरफ से हम फ्रिल अटैच करने से पहले जिप को हल्का सा ओपन कर लेंगे क्योंकि चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा तो हमें ओपनिंग के लिए एक साइड चाहिए होगी। अब जो ये कॉर्नर्स हैं उसमें फ्रिल्स की फिनिशिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसको होल्ड करके आप यहाँ पे एक पिन से इसको हल्का सा अटैच कर लें ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। और बस उसके बाद आप इसको अच्छे से सिलाई करके रेडी कर लें। सो हमारा जो पिलो कवर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने साइज़ एक बार ट्राई कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें डबल सिलाई करके इसको फाइनल कर लूँगी।
सो ये था आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।